ओम शांति। ए मेरे दिले नादा, तू गम से ना घबराना, एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना। ए मेरे दिले नादा, अरमान भरे दिल में जख्मों को जगा दे दे, भड़के हुए शोलों को कुछ और हवा दे दे, बनती है तो बन जाए ये जिंदगी अफसाना। ए मेरे दिले नादा, फरियाद से क्या हासिल, रोने से नतीजा क्या, बेकार है ये बातें, इन बातों से होगा क्या। अपना भी घड़ी भर में बन जाता है बेगाना। ए मेरे नीले दिले नादा, तो कवि कह रहा है कि ये मेरे दिल, ये मेरे नादान दिल, तू दुख ना कर, तू गम ना कर, दिल में कितना भी दुख हो, कितना भी दर्द हो, फरियाद ना कर, इससे नतीजा क्या मिलेगा। और दुख इस संसार में मिलेगा, और इस संसार में दुख उनसे मिलेगा जो अपने हैं। अभी अभी मुरली चली थी शनिवार को, 20 तारीख, मीठे बच्चे तुम्हें क्या बनना होगा, कलंकधर, अर्थात तुम पर कलंक लगेंगे, पर तुम्हें अपनी अवस्था कैसी रखनी है, अचल अडोल रखनी है, नाराज नहीं होना है चाहे कितने भी कलंक लगे। ए मेरे दिले नादा, तू गम से ना घबराना। तो आज हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर, उधर इधर कलंक इधर और उधर मालाधर, जो यहां पर कलंगी धर बनेंगे वही उधर क्या होंगे, गायन योग्य। कलंकी धर अर्थात जिन पर कलंक लगे और बाद में जिनकी महिमा हुई। इस शब्द का क्या अर्थ है, जिन पर पहले कलंक लगे और बाद में उनकी महिमा हुई, ऐसे को कहा जाता है कलंकी धर। तो बाबा ने कहा तुम क्या बनोगे, कलंकी धर। तो ये मेरे दिले नादा, तू गम से न घबराना। ये मेरे दिले नादा, तू गम से न घबराना। और सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति कब होता है, जब उस पर कलंक लगाया जाए, ब्लेम लगाया जाए, कमेंट्स किए जाए, रिमार्क किए जाए, हृदय विदीर्ण कर देता है कमेंट। तो बाबा ने मुरली में कहा कि यहां पर तुम पर कलंक लगेंगे और तुम ही कलंगी धर बनोगे, अर्थात तुम्हारी ही बाद में महिमा होगी। इसमें नाराज नहीं होना है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, शायद इसमें दो भाग लगेंगे आज और कल। पहले तो ये चर्चा करेंगे, जब भगवान धरती पर आता है तो कलंक किस किस पर लगते हैं, या फिर अब तक संसार में कलंक किस किस पर लगे। कम से कम 5 लोग हैं जिन पर ऐसे कलंक लगे। सबसे पहले तो भगवान स्वयं, सबसे बड़ा कलंक तो उसी पर लगे। दूसरा कलंक लगा ब्रह्मा पर, तीसरा कलंक कृष्ण पर, चौथा इस यज्ञ पर, और 5वां हम ब्राह्मणों पर। तो शुरुआत करते हैं शिव बाबा से। तो शिव बाबा पर कौन कौन से कलंक लगे, सर्वव्यापी छोड़कर। बहुत दुख दिया है तूने, तूने ऐसी दुख वाली दुनिया क्यों बनाई, ऐसी दुख वाली दुनिया बना दी तूने, और तू बना तो दी और तू देखता भी नहीं।
बनाई तो ठीक पर उठाता भी नहीं। तो सबसे बड़ा कलंक तो शुभाव पर लगाया कि तूने ऐसी दुखमय दुनिया बनाई, ऐसी दुखदाई दुनिया बनाई। आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, वो देखता ही कम है, इधर इधर देखता भी नहीं। हमारे जीवन में क्या हो रहा, हम कितनी प्रार्थनाएं कर रहे, कितनी फरियादें कर रहे, कितनी इबादत कर रहे, कितनी प्रेयर सप्लिकेशंस, कुछ भी नहीं सुनता। ये क्या हो गया है? और इतना पक्षपात हर अच्छे व्यक्ति के साथ ही बुरा होता है, और ये जो बुरे लोग हैं इनके साथ बहुत अच्छा होता है हमेशा। ये जो पापी है ऐश कर रहे हैं, और जो पुण्यात्मा है हम दुखी है, हम उदास है। क्या यही तेरा न्याय है? यही तेरे दरबार में न्याय है? तो भगवान पर कौन सा कलंक लगाया? सबसे पहले तो वह सर्वव्यापी है, कण कण में है। और कब आता है? युगे युगे आता है। और अवतार कितने हैं? 24 अवतार से पेट नहीं भरा तो कण कण में कर दिया। तो भगवान के अवतार है, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान पक्षपात करता है, भगवान दुख देता है, भगवान ने यह दुखदाई दुनिया बनाई। और क्या क्या कलंक लगाया उस पर? पक्षपात का कलंक। और भगवान पर कौन कौन से कलंक लगाए लोगों ने अब तक द्वापर से? ये प्राकृतिक आपदा है, कौन करता है? ये उसका क्रोध है। वो जब क्रुद्ध हो जाता है तो ऐसी आपदाओं को आजम उसके बिना पत्ते नहीं कलंक। चलो वो तो महिमा हो सकती, कलंक कौन से लगाए उस पर? वो बड़ा निष्ठुर है, सुनता नहीं है। इतना हम पुकारते हैं उसके कानों को क्या हो गया पता नहीं, बिल्कुल नहीं सुनता है। हम कितना चिल्ला रहे हैं, आता भी नहीं, ना सुनता है ना आता है, ना ध्यान रखता है ना केयर करता है। और कहता है कि हमारा हमारे बच्चे कैसा पिता है। क्या क्या नहीं मालूम? कौन पसंद करता है? नहीं, भगवान पर कौन कौन से कलंक लगाए? और अच्छा, वो देवी देवताओं वाले, उनको ही भगवान बताए हैं। तो भगवान अनेक बताए हैं, एक नहीं है भगवान। ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, वो भी भगवान है। अच्छा, तो सब आ जाएगा, वो तो शंकर जी का पूरा वो इधर आ जाएगा ट्रांसफर। तो भगवान के लिए और क्या कहा? वो दूसरे प्रकार की महिमा है, दूसरी जो संसार में कही है। हाँ, भगवान ने उठा के ले गए इसको। कोई मारता भी वही है तो जीवन भी वही देता है। जो कुछ हो रहा है वो सब वही कर रहा है, सब कुछ उसकी चाह से उसकी इच्छा से हो रहा है। और उस पर कौन से कलंक? भगवान, हम बात कर रहे कलंक की धर की, तो सबसे पहले उस पर ही कितने कलंक लगा दिए लोगों ने, काली उसको काला बना दिया, और उसको अच्छा उसको भी चोर कहा। ओके, और वो दूसरा, वो कृष्ण के साथ और शंकर के साथ और वो वाली महिमा अलग, वो नहीं, दूसरे टाइप की। दूसरे कौन से संसार में कौन से कलंक लगाए? वो पापियों को बहुत मदद करता है। और ये दुनिया ही उसने पहले मूल, तो उसने सबसे बड़ी गलती तो यहां कर दी, दुनिया ही बना के, और वो हो गया, बस हो गया, इतने ही है क्या? हाँ, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। भगवान को भी रिश्वत देनी पड़ती है, बहुत लेट करता है, जल्दी नहीं आता है तुरंत, बुलावा आज आता कब है? तो सबसे पहले तो भगवान को ही नहीं छोड़ा तो उसको ही कलंक लगाए, सबसे पहला ये। दूसरे कलंक लगाए ब्रह्मा पर, ब्रह्मा पर कौन से कलंक लगाए?
लेचरी एंड सॉर्सरी, दो कलंक है। सॉर्सरी अर्थात बंगाल से जाके जादू सीख कर आया है, ये कलंक सबसे पहला। और दूसरा लेचरी, लेचरी अर्थात कामुकता, कामांध है, इतनी रानियां हो गई इसको और चाहिए। ये मेन तो उस पर ये दो कलंक लगाए, और क्या कलंक लगाए इस पर? हाँ, अच्छा बेटी पर। संसार को बिगाड़ देता है, पति पत्नी को भाई बहन बना देता है। ये कम, ये यज्ञ के ब्लेम है, ये ब्रह्मा के ब्लेम पूछ रहे हैं। वो यज्ञ बहने करती है ब्रह्मा के लिए, वो नहीं कहा है कि वो कभी डालता है, उसके लिए नहीं कहा, उसके लिए मेन ये दो है। उसके बाद में फिर उसके बाद में तीसरा ब्लेम कृष्ण पर, क्या क्या ब्लेम लगाए? चोरी करता है, चोरी करता है, एक तो माखन चुराता है, दूसरा वस्त्र चुराता है, और तीसरा मटकी फोड़ता है, और अगला उसकी इतनी रानियां थी तो कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, कृष्ण को भी बहुत कलंक लगाया। उसके बाद में यज्ञ को, यज्ञ में जो भी जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। ये अभी ब्रह्मा कुमारी में चला गया, अभी थोड़े दिनों के बाद ये माउंट आबू जाएगा, उसके बाद में भूल जाओ इसको ये ब्रह्मा कुमारी में जाने लग गया, मतलब अभी नेक्स्ट स्टेप इसकी है माउंट में जाना, और वापस वे वापस नहीं आएगा। अम्मा अब तुम्हारा बेटा गया अब ये शादी नहीं करेगा, अब ये हमारे यहाँ का खाना नहीं खाएगा, ये सब फिक्स है। ब्रह्मा कुमारी में जाएगा अभी, मतलब ये तीन चार चीजें होने वाली है। तो ये सब होगा, बस अभी शादी नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा, और माउंट जाएगा तो वापस आएगा नहीं, ये फिक्स है। तो यज्ञ पर एक तो ये ब्लेम, दूसरा यहाँ पे जो भी जाते हैं सुरमा डालते हैं, भाई बहन बना देते हैं, और यज्ञ में ब्रेन वॉश कर देते हैं, ये लोग क्रिश्चियन बना देते हैं, सफेद कपड़े, इनका भी मिशन है। पता नहीं ये लोग कहां से आए, कहीं फॉरेन में शायद इनके कोई लिंक है, फंड कहां जाता है इनका, फंड कहां से आता है, कहीं ना कहीं विदेश से कुछ तो होगा, इनके पास फैक्ट्री है पैसे बनाने की, ब्रह्मा कुमारी इसके पास इतना पैसा आएगा आते, इनके पास आते कहां से देखते देखते इतना बड़ा बड़ा कैसे बना देते ये लोग, जरूर कुछ तो है, कुछ तो है। तो यज्ञ को भी नहीं छोड़ा, तो भगवान पर भी कलंक लगे, ब्रह्मा पर भी कलंक लगे, कृष्ण पर भी कलंक लगे, यज्ञ पर भी कलंक लगे, और अब हम चर्चा का विषय तो ये है ये सब भूमिका थी केवल अब हम पर भी ब्लेम लगते हैं, और हम चर्चा उसकी नहीं करेंगे जो संसार वाले हम पर ब्लेम लगाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे ब्राह्मण परिवार के अंदर आपस में एक दूसरे को, दूसरों पर क्या क्या कलंक लगाते हैं। तो ये इसमें बहुत सारी बातें, एक तो वो जो कलंक लगाने वाला है, ब्लेमर, ब्लेमर, दूसरा जिस पर कलंक लगाए जा रहे, द ब्लेम्ड, जिस पर कलंक लगाए जा रहे, तीसरा ये जो कलंक लगा रहा है क्यों लगा रहा है, चौथा जिस पर कलंक लग रहे हैं वो क्या करे, उसको भी तो कुछ करना पड़ेगा, वो कैसे अचल अडोल रहे, कलंक लग रहे, और उसके बाद कौन कौन से कलंक लग रहे, किस तरह के कलंक लग रहे। जैसे एक गांव था, और जिसमें एक राजा ने सभी ब्राह्मणों के लिए भोज का आयोजन किया, और जब भोजन बन रहा था तो एक चील आकाश में उड़ रही थी जिसके मुंह में सांप था, और उड़ते उड़ते उस सांप के मुंह से जहर की कुछ बूंदें भोजन में गिरी,
और वो भोजन जिसने खाया उसकी मृत्यु हो गई. नाउ हु इज टू ब्लेम? राजा जिसने आयोजन किया, वो चील जिसने सांप को पकड़ा, वो सांप या ब्राह्मण गया क्यों वहां भोजन करने या भोजन बनाने वाला? कौन दोषी है? कोई भी नहीं. ऐसा तो नहीं हो सकता. यहां ड्रामा की बात नहीं चल रही है, संसार की कहानी है. दोषी कौन? एक बार बताया था शायद, शास्त्रों में लिखा है. ये कहानी शास्त्रों में आती है और शास्त्र कहते हैं यदि आप किसी पर ब्लेम करते हो तो उसने जो पाप किया है वो आधा आपकी तरफ ट्रांसफर हो जाता है, और जो ब्लेम करता है उसका पुण्य जिस पर ब्लेम किया जाता है उसको ट्रांसफर हो जाता है. तो क्या फायदा हुआ ब्लेम करने का? तो इस कहानी में दिखाया है कि कुछ समय के बाद एक नया ब्राह्मण उस गांव में आता है. वो पूछता है, मैंने सुना यहां पर आज ब्रह्मा भोजन है. तो एक बुढ़िया बाहर खड़ी होती है, वो कहती है, हाँ है, राजा भोजन की व्यवस्था कर रहा है, परंतु वहां गलती से भी मत जाना क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था और मैंने सुना है ये राजा ब्राह्मणों को मारता है. ऊपर से धर्मराज घूम रहा होता है, पहले वाली सजा तो अभी तक दी नहीं ना किसी को. तो कहते हैं, हाँ ये है वो बुढ़िया, इसी को पकड़ के ले जाता हूं. शी इज टू बी ब्लेम्ड क्योंकि उसने दोष लगाया. तो ब्राह्मण क्या क्या दोष लगाते हैं एक दूसरे पर. और दूसरी बात, यदि हम पर ये दोष लगे तो बुरा नहीं समझना, बुरा नहीं मानना. ए दिले नादा तू गम से ना घबराना. एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना, तेरी जो कहानी है, तेरी जो दास्ता है, एक दिन उनको समझ में आ जाएगा कि तुम दोषी नहीं थे. इसके लिए तू गम से ना घबराना. तो ऐसे कौन से वो ब्लेम है जो हम पर लगते हैं, और ये जब लगे तो इनको पॉजिटिवली लेना है, निगेटिव नहीं. और पहले तो ये हमको लगाने नहीं है दूसरों पर ये लगते हैं. वो कौन कौन से हैं उसकी हम चर्चा करेंगे. सबसे पहला तो इसमें क्रोध बहुत है, तुम में रोब बहुत है. योग तो करते बहुत हो पर रोब तुम्हारा अभी तक गया नहीं है. तुम में चिड़चिड़ापन अब भी है. अगर ऐसा कोई हमको बोल दे तो, और हम तो चिड़चिड़ापन करते ही नहीं, हम शांति है. एक है कि जब वो हमें है वो बात, और दूसरा जब वो बात हमें है ही नहीं फिर भी कही जा रही है. ये दो परिस्थितियां है, चाहे पहली या दूसरी. जो भी करेक्शन कोई दे दे, शिक्षा दे दे, उसको स्वीकार कर लो. शायद वो हमसे ज्यादा हमको जानता है, हम उसके पीएचडी का सब्जेक्ट है. हमारा अध्ययन तो वो ज्यादा कर रहा है, हम तो इतना, हमारे पास टाइम भी नहीं. वो तो हम पर रिसर्च कर रहा है, तो जरूर उसके कंक्लूजन्स तो थोड़े से करेक्ट वैलिड होंगे. फिर तुम में देवभान बहुत है. फिर तुम बैलेंस नहीं रखते. ये बैलेंस बहुत जरूरी है. तुम्हारा एक तरफ चला जाता है, एक तो बहुत ज्ञान 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 करते रहते हो और योग छूट जाता है, और योग में जाते हो तो ज्ञान छूट जाता है, और ज्ञान योग करते हो सेवा छोड़ देते हो. ये तुम्हारा बैलेंस नहीं है. ठीक है, तुमको बैलेंस सीखना चाहिए. केवल सेवा सेवा करते होते, ज्ञान योग तो है ही नहीं. और कोई ज्ञान योग ज्यादा करते, यहां किस लिए आए थे? ज्ञान योग करने आए थे कि सेवा करने आए थे? मधुबन में ज्ञान योग करना है, जाओ यहां से सेंटर पर, घर पे. इतना ज्ञान सुनने के बाद भी सुधरते नहीं तुम. क्लासेस में तो बहुत जाते हो वहां पर, और चलन में तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है तुम्हारी. फिर उसके बाद में तुम पर भरोसा नहीं कर सकते, इस पर भरोसा ही नहीं कर सकते, ये विश्वास पात्र ही नहीं है.
ऐसा कहते एक दूसरे से, या आपस में कहते तीसरे के बारे में कि ये इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भाई पर मत भरोसा करना, ये बहन का कोई ठिकाना नहीं है। कब क्या बोलते, इस पर तो बिल्कुल विश्वास मत करना, और सेवा तो उसको बिल्कुल गलती से मत देना, क्योंकि लास्ट टाइम दी थी गायब ही हो गया था, उसके बाद में बीमारी का ढोंग करते हो, क्या करते हो, तुमको सेवा नहीं करनी है ना, इसके लिए ढोंग करते हो, बार बार जाके भर्ती होते हो, तुम्हारी ये जो बीमारी है ना ये भी ढोंग है। आज की वरदान में कहा है फ्रूट्स खाओ, बीमारी को विदाई दो, शरीर तक रहे बीमारी आत्मा तक ना पहुंचे, इसको तो आदत ही है, तुम नाजुक बहुत हो, थोड़ी सी भी बात होती है तो तुरंत फील होता है, रो देते हैं, उसके बाद में तुमको सेवा नहीं करनी है बहाने बनाते हो। तुम्हें दूसरों की कदर नहीं है, तुम रिस्पेक्ट नहीं करते हो दूसरों का, सुनते ही नहीं कभी, इतनी बार बताया तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, कितनी बार समझाया तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता है, तुमको हमारी कदर ही नहीं है, हम इधर मर रहे हैं, हमारे साथ रहते हो तुमको कदर ही नहीं। फिर उसके बाद में तुम्हें अहंकार बहुत है, क्लास तो कराते हो निरंकारिता पर अहंकार आसमान पे है। फिर तुम्हारी आंखों का कोई ठिकाना नहीं है, इतने साल हो गए ज्ञान में, अभी तक आंखें सिविल नहीं बनी है, क्रिमिनलाइज है, अभी भी आंखों का ठिकाना है, यहां देखते हो वहां देखते हो, ये देखते हो वो देखते हो, इधर उधर आंखें स्थिर नहीं है, बिल्कुल चंचलता बहुत ज्यादा है तुम में, ये तुमको ठीक करना चाहिए, और एकदम सीरियसली बताएंगे ताकि सीधा इधर आघात हो जाए। इसमें फैमिलियरिटी का संस्कार बहुत ज्यादा है, वो बहन से दूर रहना, वो भाई से दूर रहना, क्यों, फैमिलियरिटी का संस्कार है, उसने पकड़ता है तो छोड़ता ही नहीं, एक बार चिपक गए तो बस, उसके बाद में तुमने ज्ञान को उल्टा समझा है, ऐसा ज्ञान बाबा पापा को भी नहीं सिखाते, तुमने ये जो समझा है ना उल्टा समझा है, उसके बाद में हर बार तुम ऐसा ही करते हो, पिछली बार भी लेट हुआ था, आज इस बार भी तुमने ऐसा ही किया, हर बार तुम ऐसा करते हो, तुम्हारी आदत ही है, ये ज्ञान में आने के पहले की आदत अब तक चल रही है तुम्हारी, क्योंकि हम तुमको तब से जानते हैं, हमेशा ही लेट आते हो, पहले बताना चाहिए था, अगर तुमसे ये नहीं होता तो तुमको सेवा ही नहीं दी होती, पहले तो बोलते हो हां और बाद में टाइम पर आते नहीं हो, अगर कोई हमसे ऐसा कह दे तो, भट्टी करने तो बहुत आते हो, परिवर्तन तो आज तक तो कभी दिखा नहीं तुमने, निमित्त निमित्त कहते हो, वो भी नाम मात्र, केवल केवल निमित्त मात्र कहते हो, मैं निमित्त हूं, बाकी तुमको अपनी महिमा सुननी है, तुम में आलस बहुत है, आलस, तुम जैसा आलसी तो कहीं नहीं होगा। उसके बाद में तुमने ज्ञान को तो समझा पर प्रैक्टिकल में कुछ भी दिखाई नहीं देता है तुम्हारे जीवन में, खाली थियरी है बस, प्रैक्टिकल जीरो। आप ज्ञान में हो पर ज्ञान आप में नहीं है। उसके बाद में जबान बहुत ज्यादा चटोरापन है, अभी तक जबान को कंट्रोल नहीं किया है, मीठी नहीं है बिल्कुल, और पक्षपात तो बहुत ज्यादा करते हो, पक्षपात यहां पर भी है और तुम करते हो, बाबा ने पता नहीं बाबा ने तुमको कैसे चुना, कहां से आए हो, सेंटर कौन सा है,
कितने साल हो गए ज्ञान में, यही सीखा क्या? ये सिंपल इतनी सेवा भी नहीं आती, बर्तन कैसे धोना वो भी नहीं सीखा, सफाई ऐसे की जाती है? तुम्हारी कौन कौन बहन है तुम्हारी, कौन सा सेंटर है, अभी क्या हो गया, तुम किसके संग दोष में तो नहीं हो? पहले ही कहा था मेरे साथ रहो, नहीं माने ना, पहले ही कहा था क्लास में आया करो, पर नहीं आया ना, अभी ऐसा ही होना था, मैंने तो मेरे लिए पहले ही बोला था, और तुम तो शांत कभी बैठते ही नहीं, एक मिनट शांत नहीं बैठते, हलचल चालू ही रहती है तुम्हारी, मुझे पहले ही पता था तुम्हारी चलन पे, तो मुझे पहले से ही शक था, शक को तुमने यकीन में तब्दील कर दिया, तुम बोलते बहुत हो, तुम हो बहुत अच्छे, पर हंसी मजाक के संस्कार बहुत ज्यादा है तुम में, इतना भी नहीं बोलना चाहिए, चंचल हो और बोलते ज्यादा हो, और ये दिखावा तो बता नहीं, क्यों इतना दिखावा करते हो, गुमसुम बहुत रहते हो, क्या बात है, कोई उदासी, कोई दुख, किसी ने कुछ बोल दिया आज, और दिखावा बहुत ज्यादा है तुम्हें, इतना भी दिखावा क्या करना है, बाबा कहते गुप्त रहो, दिखावा करते रहते हो जब देखो तब, एक सेवा तुमसे होती नहीं है, और ये घूमने फिरने का चस्का तो बहुत ज्यादा है तुम्हारा, हम तो कहीं नहीं जाते, सेवा के नाम पे बस घूमना फिरना चालू है तुम्हारा, तुम बीके हो क्या, तुमको समझना चाहिए था ना, इतनी भी बात समझनी थी, या दूसरों के लिए बोलते उसको समझना चाहिए था ना, ऐसा करना चाहिए, इतना भी नहीं समझता, तुम्हारा ध्यान कहां रहता है, लिस्ट बहुत बड़ी है, ये तो कुछ सोचा है, जो सुना है वो लिखा है, जो सुनते रहते हैं रोज आपस में, जो बातें चलती है, चमचागिरी बहुत करता है, बहुत मक्खन लगाने की आदत है, एप्पल पॉलिशिंग, साइकोफेंसी, और ये तो हो गए छोटे छोटे ब्लेम, अब एक बड़ा ब्लेम है, सबसे बड़ा, कैरेक्टर पर कलंक लगाना, ये सब में व्यक्ति स्थिर तो रह जाएगा, पर जब कैरेक्टर पर कलंक लगता है, जब प्यूरिटी पर कलंक लगता है, तुम्हारा क्या चक्कर चालू है, तुम्हारा कुछ तो है, उसके सामने नहीं बोलेंगे, हाँ उसका कुछ तो चालू है, दोनों साथ में ही घूमते हुए दिखते हैं, फोन में बिजी, किसका फोन है, हाँ पता तो लग रहा है कोई बहन है, ये भाई के साथ नहीं है, ऐसी बात है, और फोन आया और उठ के चले गया, ऐसी क्या प्राइवेसी, हमारे सामने बात नहीं करना चाहता, बैठे हैं दो दोस्त, फोन आया, वो जाके बाहर बात कर रहा है, कुछ तो है, कुछ ना कुछ अफेयर तो लग रहा है, दाल में कुछ ना कुछ काला तो है, अब वो पता करना है, उसके लिए रिसर्च चाहिए, उसके लिए कमिटी बनानी पड़ेगी, एक एक दो लोगों को पीछे लगाना पड़ेगा, जासूस, तब कहीं जाके डिटेल पता चलेगी कि क्या है एग्जैक्टली, क्या चक्कर है, तो कलंक पवित्रता पर, चरित्र पर। अब दूसरा प्रश्न है, ये तो था एक प्रश्न, कौन कौन से कलंक लगते हैं, और ये सब होगा। अब अगला प्रश्न है, कलंक लगाने वाला, ब्लेम करने वाला ब्लेम क्यों करता है? सुशील भाई क्या कारण है, क्यों क्यों वो ऐसा कर रहा है, क्या ब्याज के साथ रिटर्न हो रहा है, नहीं वो ऐसा क्यों करता है, उसको अंदर से शायद खुशी नहीं है, जेलसी है, और उसको ये करने में ही खुशी मिलती है, निंदा सुख, और एक 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 पुरुषार्थ में कुछ कमी है, और अपने पुरुषार्थ पर फोकस नहीं, इसलिए सारा ध्यान दूसरों पर है, और
ब्लेम करने में बड़ा एक कंफर्ट समाया हुआ है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर की जा रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर रहे दूसरे पर कि उसकी वजह से मैं दुखी हूं, इसके लिए उसको ब्लेम करो। अपने को योग्य, अपने को सत्य सिद्ध करने के लिए हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि मैं तो ठीक हूं, मेरा सब कुछ राइट है, ये सब इसके वजह से हुआ, ये इसकी गलती है, मैंने कुछ नहीं किया है। नॉलेज को समझानी और ब्लेम क्यों करता है ब्लेम करने वाला व्यक्ति? बदले की भावना है, क्योंकि उसने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, इसके लिए ब्लेम करता है। और उसकी अच्छाई से बहुत जलता है, जलन होती है, आग लगती है अंदर, और उसकी बदनामी करने का क्या सुख मिलता है? लोग उसको ज्यादा पूछते हैं, हमको तो कोई पूछता नहीं, अभी इधर कब से है? ये अब आया, कान के पीछे से आया और अभी आगे जा रहा है, नाक के नीचे हमारी आगे जा रहा है, अंडर द नोज आगे बढ़ रहा है। ईर्ष्या, उसको खींचो, उसकी टांग खींचो, उसकी बदनामी करो, उसको कलंक लगाओ, ब्लेम करो, आरोप लगाओ, कुछ ना कुछ करो, ताकि लोग बातें बनाए, अफवाहें फैले वायुमंडल में, ताकि वो गिरे। हाँ, आदत बन गई है, लंबा समय ये करते रहो तो वो आदत बन गई है, ब्लेम करने की वो संस्कार ही बन गया है, कि किसी की आदत ही है कि ब्लेम करो। जब तक 3-4 लोगों को ब्लेम कर देने, तब तक कलेजा शांत नहीं होता है, किसी को दबाने के लिए, कोई ज्यादा उन्नति कर रहा है उसको दबाने के लिए ब्लेम करना है, और इंसल्ट करने के लिए, वहां पर्पज ही, इंटेंशन ही है उसको हर्ट करना। किसी को हम इंटेंशनली कह रहे हैं, हमको पता है उसने ऐसा नहीं किया, परंतु इंटेंशनली उसको वैसा कह रहे हैं। हमको पता है ये हमेशा टाइम पर आता है, आज लेट आया, पर हम जानबूझ के कहेंगे कि तुम हमेशा लेट आते हो, ताकि उसको फील हो, उसको हर्ट हो, उसको दुख हो। और हम योग करते हैं कि मुझसे विश्व कल्याण की किरणें विश्व में फैल रही है, मेरे मन में सभी के प्रति शुभ भावना और शुभ कामनाएं हैं, खुद को महान प्रूव करने के लिए। और क्यों ब्लेम करता है व्यक्ति? अटेंशन किसका? जब हम दूसरों की इस तरह से ग्लानी करते हैं, जिनके सामने कर रहे, उनके सामने हमारी इज्जत थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे कोई एक व्यक्ति है और हम 3-4 लोगों के साथ मिलकर उसकी ग्लानी कर रहे, तो उनको तो वो तो बहुत अच्छा सोचते हैं उसके बारे में, पर हमने उनको नई इन्फॉर्मेशन दी कि तुम ये जो सोच रहे हो ना, ऐसा नहीं है, सत्य मेरे पास है, तुम जो सोच रहे हो ना वैसा वो नहीं है, तुम बहुत ही बड़े भ्रम में हो, तुम्हारा भ्रम तोड़ने में आया हूं। जैसे एक हाथी अभी अभी नहा के फ्रेश, आज की मुरली में बोला फ्रेश, योग से तुम क्या बनोगे? सच सच रहोगे तो क्या फ्रेश पढ़ना उसको। वो हाथी अभी अभी नहा के निकलता है और एक पुल से जा रहा होता है, पुल वहां से एक सुअर आ रहा होता है, तो हाथी एकदम एक तरफ हो जाता है सुअर को देखकर, और सुअर बिल्कुल शान से निकलता है, और सुअर फिर अपने दोस्तों से मिलता है कि ऐसी बात हुई, मैं जा रहा था उधर से हाथी आ रहा था, हाथी डर के मारे इधर हो गया। और सुअर फिर हाथी के दोस्तों को बताता है कि तुम्हारा दोस्त जा रहा था और ऐसा हुआ, तो हाथी के सारे दोस्त भागकर हाथी के पास पहुंचते हैं, हमने ऐसा सुना है कि तुमने हमारे बिरादरी की नाक कटा दी, हमने ऐसा सुना है कि जब उधर से सुअर आ रहा था तो तुम हट गए। हाथी कहता है कि मैं क्लीन था और वो गंदा था, मैं नहीं चाहता था कि मैं उसको टच करूं, मैं उसको तो मार सकता था, पर उसको मारने में मेरा पैर गंदा हो जाता था ना, तो मैं क्यों टच करूं, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। इसी को बुद्धिमानी कहते हैं। तो व्यक्ति ब्लेम तब करता है जब अंदर अतृप्त है, अंदर अतृप्त है, अंदर खोखला है, अंदर असंतुष्ट है, अंदर विकार है, अंदर जेलसी है, गिराना चाहता है, बदले की भावना है, इनसिक्योरिटी है, फियर है, डर है, इसलिए ब्लेम करता है। अपना ब्लेम दूसरों पर डाल दो, कोई भी ब्लेम लेना नहीं चाहता। जैसे एक मां एक कमरे में अपने घर में पहुंचती है और देखती है कि छोटा बेटा रो रहा है, खून आ रहा है, और वहां पर उसकी डॉटर, उसकी बेटी भी खड़ी है, वो उसकी बेटी से पूछती है क्या हुआ तुम्हारे भाई को,
वो कहती है उसने बैट से अपना सिर टकराया, बैट। तो मां पूछती बैट कहां थी, वो कहती मेरे हाथ में। मतलब उसी ने मारा। तो व्यक्ति कलंक क्यों लगाता है, क्योंकि असुरक्षा है बहुत सारी, इसलिए कलंक लगा रहा है। और कौन से कलंक लगा रहा है, वो सारी लिस्ट कलंक लगाने की। अब जिस पर कलंक लग रहे हैं वो क्या करे, अब जो कलंक लगा रहा है, नहीं जो कलंक लग रहे है उस पर क्या करना चाहिए। बाबा ने कहा नाराज नहीं हो, अचल अडोल रहो, कलंगीधर तुम बनोगे। कलंगीधर अर्थात जिस पर कलंक लगे और फिर बाद में महिमा हुई, उसको कहते हैं कलंगीधर। और संसार में सबसे बड़ा उदाहरण है जीसस क्राइस्ट, जिस पर बहुत सारे कलंक लगाए, फिर उसको सूली पर चढ़ा दिया गया और बाद में उसकी महिमा चालू हुई। वो सबसे बड़ा कलंगीधर वो है। वो अपने शिष्यों से कहता है दे हैव पेल्टेड स्टोन्स अपॉन मी, दे विल पेल्ट यू विद स्टोन्स, दे हैव ब्लेम मी, दे विल ब्लेम यू, दे हैव कर्स्ड मी, दे विल कर्स यू, बट दे हैव ग्लोरीफाइड मी एंड दे विल ग्लोरीफाई यू वन डे। वो कहता है उन्होंने मुझे मारा, तुमको भी मारेंगे, उन्होंने मुझे गालियां दी, तुमको भी गालियां देंगे, मुझ पर पत्थर फेंके, तुम पर भी पत्थर फेंके जाएंगे। अपने शिष्यों को पहले ही कह रहा है, पर बाद में वो मेरी महिमा करेंगे, तुम्हारी भी महिमा होगी। इसके लिए आधा संसार क्रिश्चियन बन गया वो जाने के बाद, धीरे धीरे आधा से ज्यादा। क्या किया जाए सुशील भाई, कलंक लगने के बाद? हाँ, पहले तो ये जितने भी बताए लोगों ने कि तुम में ये बहुत है, तुम में कितना अच्छा है, कोई फ्री में हमको ये बता रहा है, नहीं तो कोई दोस्त है कभी ऐसी बातें बताएगा, वो क्यों दोस्ती को जोखिम में डालेगा? ऐसा बताना मतलब रिलेशनशिप्स को एट स्टेक, उसने कितनी बड़ी रिस्क ले ली, संबंध बिगड़ रहे हैं हमारे। तो क्या सोचना चाहिए कि वो हमारी मदद कर रहा है, वो मेरा मददगार है और वो मुझे, वो मेरा शुभ चिंतक है, वो मुझे सिखाना चाहता है। और वास्तव में वही बात है, तो मुझे अपने आप को ठीक करना है। किसी ने कहा कि तुम यहां क्यों बैठो, चलो उठो यहां से, उधर बैठो, उधर बैठो तो कहा चलो उठो वहां बैठो, कितना अच्छा है, प्रैक्टिस हो गई, एक्सरसाइज भी तो हो गई, वहां बैठे डायमंड हॉल में एक जगह बैठे, फिर किसी भाई ने आया वहां से उठाया कहा वहां बैठो, वहां बैठे दूसरा आया उसने कहा मेरी जगह उठो, फिर वहां से उठे वो बोले ये हम मधुबन निवासियों की जगह, यहां से निकलो बाहर, एकदम पीछे जाके बैठा, जगह ही नहीं है वहां। सोचना चाहिए वाह 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 विट्ठल भाई कितनी एक्सरसाइज हो गई, परिक्रमा हो गई डायमंड हॉल की। और दूर से तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है बाबा, स्क्रीन पर और ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो पॉजिटिव रहना, उसके बाद डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी होकर देखना, उसके बाद ड्रामा के 16 राज जो उस दिन गिनाए थे, वो सारी चीजें अभी रिपीट नहीं करेंगे, वो सारी बातें याद करना कि ये सब क्यों हुआ और मेरे ही साथ क्यों हुआ, और अच्छा हुआ हुआ तो। उसके बाद नथिंग न्यू, उसके बाद उस पर रहम करना, उसके बाद क्या सोचना, इस सीन में भी कल्याण छिपा है कहीं ना कहीं, इसमें भी कल्याण है, उसके उसको मेरे लिए भेजा खाज। अगर मैंने किया ही नहीं है, इसमें और एक चीज चाहिए, सत्यता की शक्ति पर विश्वास। यदि लोग ब्लेम कर रहे और वो बात मुझ में है ही नहीं, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, सत्य स्वयं सिद्ध है, सत्य एक दिन प्रकट होगा, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। सारा संसार कलंक लगाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलने दो, जो अफवाह फैलानी है फैलाने दो, यदि मेरा दिल साफ है तो डरने की बात नहीं है, सत्यता पर पूर्ण विश्वास है, सत्यता की शक्ति पर विश्वास है। और दूसरा, अगर कहने को भी कहे, जिद और सिद्ध नहीं करना है। अगर हम सत्य है, जिद सिद्ध करने की जरूरत नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, कुछ कहने की जरूरत नहीं। हां, पर कहना अगर सफाई देने के लिए कहा जाए तो शांत मन से कह देना, उसके बाद में अचल अडोल रहना, उसके बाद में शांत रहना, ऐसी परिस्थितियों में चुप रहना, साइलेंस पावर का अनुभव करना। और सबसे बड़ा वेपन तो है आत्माभिमानी बन जाना, वो बोल रहा है उधर और इधर हम
मैं आत्मा शांत स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप हूं। बहुत बड़ी मेहनत है, मेहनत तो बहुत बड़ी, इसलिए कहा ना ये सबसे सेंसिटिव टॉपिक है, सबसे सेंसिटिव टॉपिक। अरे तुम यहां से क्यों आए, चलो निकलो यहां से, ये तो जो मधुबन निवासी है उनके लिए, ये तुम्हारे लिए नहीं है। दुख हो गया, हर्ट हो गया, ऐसे करते हैं यहां। ये 2 दिन हो गया, चलो अभी हो गया। धर्मशाला समझ के रखा है क्या मधुबन को, कितना दिन के लिए एकोमोडेशन दिया था, 3, चौथा दिन है आज। क्या फ्री में मिलता है तो कुछ भी करोगे, हर्ट होता है ना। हर्ट तो होता है, पर हर्ट होना चाहिए, हर्ट हो के ही व्यक्ति शक्तिशाली बनता है। किस पर कुछ भी असर नहीं होता है वो दूसरी बात है, ऐसे भी कुछ है महारथी जिन पर बोलने वाले बोल बोल के थक गए, इन पर असर ही नहीं कुछ भी, जो बोल रहे हैं बोलने वाले ही दुखी है, बोल बोल के थक गए और बोल बोल के दुखी है। कितना बोले, अपनी सुख शांति छोड़कर उनको डांटते हैं पर फिर भी उस पर कोई असर नहीं होता है, क्या करे, ये एक दूसरी समस्या है, कैसे इनका कैसे सुधारे, इनको असर ही नहीं है कुछ। तो अचल अडोल कैसे रहे, जब कलंक लगे तब। अच्छा, दूसरी एक बात, हमें किसी पर भी कलंक न लगाए, इसके लिए क्या करें, हमें किसी पर भी कलंक नहीं लगाना है, किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, इसके लिए क्या करना है, अपने आप को देखना है, इसके लिए क्या करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो, इसके लिए क्या करना है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है मेरे अपने कर्म है, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है, हर चीज हुई उसकी वजह से हुआ, हर चीज हुई उसकी वजह से हुआ, तुम ये करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, तुम मेरी केयर नहीं करते, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, लोग मेरी परवाह नहीं करते, ये लोग मेरे साथ ही ऐसा हमेशा ऐसा करते हैं, जानबूझ के ऐसा करते हैं, इनको पता था मैं हूं इसलिए ऐसा किया, बाकी सबके साथ ठीक से व्यवहार करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों करते ये लोग। ये सोच ही गलत है, इस सोच को ही परिवर्तन करना है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है और उसे मैं ही ठीक कर सकता हूं, कोई दूसरा इसे ठीक कभी नहीं कर सकता। तो कितनी सारी बातें आ गई, एक तो ब्लेम करना नहीं, अगर हुआ तो क्या करना, किस किस प्रकार के ब्लेम है, ये जो ब्लेम गेम है बड़ा खतरनाक गेम है, बहुत चोटें लगती है इस गेम में, इधर भी और उधर भी बहुत फ्रैक्चर्स होते हैं इधर उधर, इसके लिए इन सब से मुझे बाहर निकलना है। जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, जो कुछ मेरे साथ हुआ ठीक हुआ, और जो कुछ उसने कहा मेरा ही हिसाब था, और आत्माओं से माफी मांग लेना और आत्माओं को माफ भी कर देना, ये सारा इन सारे ब्लेम में सबसे शक्तिशाली शस्त्र है साइलेंस, चुप रह जाना, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, ना अपनी सफाई देना, ना जिद करना, ना सिद्ध करना, कुछ नहीं कहना, जस्ट साइलेंस, दैट इज द बेस्ट वेपन। तो ये मेरे दिले नादा तू गम से ना घबराना, एक दिल तो समझ लेना दुनिया तेरा अफसाना, एक दिन तो समझ जाएगी दुनिया तेरी कहानी। फरियाद से क्या हासिल, रोने से नतीजा क्या, फरियाद करने से क्या मिलेगा, और किसके सामने फरियाद करने जा रहे हो, जिनके सामने कंप्लेंट लेके जाते हो ये भी पता है वो कुछ नहीं करेंगे, कुछ फायदा नहीं है जाके, बेकार की ये बातें, इन बातों से होगा क्या, अपना भी घड़ी भर में बन जाता है बेगाना, ए मेरे दिले नादा तू गम से ना घबराना। ओम शांति।